खा खा कर। ये तो दवा सरकारी है, कैल्शियम का है। ये देखिए खरीद के लाए हैं। अच्छा, ये खरीद कर लाए हैं। बुखार लग रहा है, हाँ। फिर भी रोड पर सो रहे हैं, गंगा जी के पानी पी रहे हैं। बुखार का दवा खिला है। अरे कैल्शियम का यहाँ मिला था क्या? यहाँ मिला था, लेकिन इससे हम लोग कोई राहत है नहीं। नहीं, राहत ये आपको जो है ना, विटामिन D3 बहुत बढ़िया दवा है, खाने वाला है, यानी आपका बहुत अच्छा दवा है। अगर बाहर दुकान में ये विटामिन खरीदने जाएंगे तो आपको 100-150-200 में मिलेगा, लेकिन आपको ये बहुत बढ़िया दवा है, खाइएगा इसको। आपको ऐसे अभी नहीं दिखेगा कि हमको राहत तुरंत मिल रहा है, लेकिन शरीर को फायदा करेगा, वो चीज़ बढ़िया है। ठीक है, यही चीज़ तो है, हम लोग अब क्या करें, कोई उपाय नहीं है। ये लोग जो है अभी बाढ़, इनके घर में बाढ़ का पानी पूरा घर में ढुका हुआ है, यानी कि पूरा बाढ़ से परेशान ये लोग हैं, और अभी इस हालत में यहाँ पर रुके हुए हैं। रात के लगभग 2:30 बज रहा है, और इस वक्त हम इन लोगों को समस्या को जानने के लिए आए हुए थे। अच्छा, ये कुत्ता भी अभी का है क्या? कुत्ता तो जो वहाँ पर है ये नहीं है कोई, तो ये कहाँ रहेगा? तो इसको लेकर आए थे आप लोग? हाँ, पर देखिए, हाँ, जिस समय वहाँ से जब पानी पहुँचता है, हाँ, 24 घंटा जानवर पानी में खड़ा रहा। हाँ, हम लोग देखे कि अब पानी घटेगा, शायद हाँ, हाँ, घट गया तो हम हाँ, लोग रुक जाएंगे। 24 घंटा जब जानवर पानी में खड़ा रह गया, हम लोग तो किसी तरह से चौकी ईंटा उटा रख कर उस पर बैठे, लेकिन जानवर 24 घंटा कहाँ बैठ सकता है? नहीं, नहीं, नहीं। जब 24 घंटा वो नहीं बैठा, पानी नहीं घटा, हाँ, तब हम लोग नाव जहाँ तहाँ के जो हम लोगों का परिचित बुझाना वाला उसको बुलाए, हाँ, वो आया, उससे हम लोग पार की, हाँ, हम लोग से पैसा भी लिया। अच्छा, वो तो उसका चार था, लेकर के पार कर दिया, पार कर दिया, हाँ। तब हम लोग यहाँ 24 घंटा के बाद ही जानवर को लेके आया, जब जो ये लोग व्यस्त हो गया, हाँ, ये लोग के तो रहने के लिए ऊंचा नहीं ना है कि टप के चल जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी आप अपने गाय भैंस ला रहे थे तो ये भी चढ़ गया? अच्छा, यानी कि एक अपना कुत्ता भी आप लोग का चढ़ गया साथ है? हाँ, ये आप पाले नहीं है इसको? वो जो जानवर आता है तो जो पालिएगा, तो कुत्ता जानवर पालना ही करना चाहिए। देखिए, अपने आप चढ़ गया था ये, अब यहाँ पर आकर के आपके साथ में रह रहा है। हाँ, कहाँ रहेगा, छोड़ेगा, छोड़िए, दूसरा कुत्ता लेकर दूसरा जगह थोड़ी जाएगा। चलिए, इसको लेकर के फिर वापस चले जाइएगा। हाँ, फिर हम लोग जिस दिन कल है, हो सकता है कि चढ़ेंगे नाव में, ये साथ है चढ़ जाएगी। अच्छा, साथ चढ़े, चलिए, चढ़ाने का जरूरी है। काफी कष्ट है आप लोग का जिंदगी में। कष्ट है, हाँ, जो वहाँ रह रहा है नैका टोला में, वही लोग जान रहा है कि काश देते हैं। वो कम से कम भाई 10 साल उसको लगेगा भराव को धीरे धीरे ऊंचा करने में। कुछ ऊंचा हो जाएगा, सरकार जहन्नुम में चला जाए, चला के हम लोग यहाँ मरने के लिए नहीं आएंगे कभी। यानी कि अगली बार बाढ़ आएगा तो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसलिए कि वो झूठ मूठ के हम लोगों के 2 दिन के अथी करेगा, फिर हम लोग क्या, तो 2-4 दिन इससे अच्छा है कि वहीं रह जाए, यानी वहीं किसी तरीके से कष्ट करके रह जाए, यहाँ नहीं आए, नहीं आएंगे। वो आपको तो देखा ये दिए कि है जंगल में, बहुत है जंगल में, रहने किस हालत में सोए में देख लीजिए। सब क्या बोल रहे हैं पीने के लिए, पीने के लिए तो राहत हम लोगों को रहता, पानी से लेकर हम लोग तबियत मैंने खराब हो गया। देखिए वो खटिया पर है, उसकी तबियत पूरा खराब, यानी पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, पानी शुद्ध कल बुझा है। आप समझिए ना कि पूरे इलाका के पानी गंदगी इसी में गिरता है, अपना हर हर देखे इसी में गिरता है, वही पानी पी रहे हैं आप, वही पानी हमको पी रहे हैं। अब क्या हम लाचार में पी रहे हैं? ऐसे बताए, मकान पर चले जाते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं से जोगाड़ लाते। अब बताइए कि पूरा गंदगी वाला पानी हम लोग पी रहे हैं नालाचार में, अब उससे तो हम लोगों का खराबी कुछ न कुछ करेगा, अब फिर धीरे धीरे सुधार होगा। अब यही है कि हम लोग जाएंगे तो उधर जाने के बाद शुद्ध हवा मिल जाएगा, शुद्ध जल मिल जाएगा, जल्दी को कंट्रोल हो जाएगा। क्या ही कहा जाए इन लोगों के बारे में, खेती बाड़ी की वजह से सब बाढ़ में ही चला गया, हाँ, सब डूब गया, हाँ।
बहुत ज्यादा फसल। देखिए पानी सरकार घोषणा करता है जब उसके अथी में हो जाता है तब पड़ता है, लेकिन हम लोगों का पानी अभी जितना आ गया है इतना इतना बार छठा बार पानी हो गया, छठा बार हो गया। इतना पानी की स्थिति में अगर सरकार आके वो अपने से आके देखे देखा कि मतलब नायका टोला का स्थिति क्या हो जाता है, पूरा डूब जाता है। अब आप पूरे दुनिया का लेवल से मिलाइएगा तो जब तक तो मर जाएगा। अब जहाँ तक ले उसका जो आदमी का दिक्कत है उसको तो कम से कम देखिएगा। अब पूरे बिहार लेवल पर चल के देखिएगा जब तक लोग मर जाएगा। सही बोल रहे हैं। चलिए नेका टोला का स्थिति जो है उतना दूर का 200 घर का जो है पोजीशन खराब रहता है।